हे गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। कहिए कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घर पर सेफ होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने टाइटल देखकर पता कर ही लिया होगा कि आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पर होने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको ऐसी कुछ आपकी गलतियां बताऊंगी जो आप गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से आपके बच्चे के गले के अंदर गर्भनाल लिपट जाती है और उस कंडीशन में फ्रेंड्स फिर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी होती है। क्योंकि उस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, क्योंकि क्या होता है, अगर बच्चे के गले के अंदर गर्भनाल लिपट जाती है तो उस टाइम पर डॉक्टर कोई भी रिस्क नहीं लेते और आपका सी सेक्शन कर देते हैं। और आपके नॉर्मल लाइफ के अंदर ही हम ऐसी कुछ गलतियाँ कर देते हैं जिसकी वजह से आपके गले में गर्भनाल लिपट जाती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको वो गलतियाँ बताने वाली हूँ जो आप करते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाइए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास जो घंटी का बटन उसे ज़रूर दबा लें, ताकि मैं तब भी कोई न्यू वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड फर्स्ट की। फर्स्ट आपको ध्यान रखना है कि आपको झटके से कोई भी काम नहीं करना है। झटके से आपको ना ही उठना है, ना ही बैठना है, ना ही आपको कोई भी काम करना है। तो सबसे पहले बात करें झटके में, मतलब जैसे कि फ्रेंड्स आप बैठे हो तो आपको झटके से एकदम से नहीं उठना, आपको आराम आराम से किसी चीज़ का सहारा लेकर उठना है। और फ्रेंड्स, साथ ही अगर आप जैसे कि आप किसी करवट में लेटे हुए, लेफ्ट साइड लेटे हुए या राइट साइड लेटे हुए, आपको झटके से करवट नहीं बदलना। उससे क्या होता है कि फ्रेंड्स जैसे आप गर्भ में, जैसे आप सोते हो तो गर्भ में आपका बच्चा भी सोता है। तो उस टाइम क्या होता है, अगर आप झटके से करवट बदलते हैं तो आपका बच्चा गर्भ के अंदर डर जाता है और बच्चा जल्दी जल्दी से मूवमेंट करना शुरू कर देता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चा कभी आड़ा तिरछा, कभी कोई भी गलत पोजिशन में भी आ जाता है और साथ ही बच्चे गर्भ में गले में गर्भनाल लिपट जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कभी भी झटके से कोई भी काम नहीं करना, ना ही उठना है, ना ही बैठना है, ना ही करवट बदलना है, कोई भी काम नहीं करना है। और सेकंड आपको ध्यान रखना है कि आपको झटके से बैठना नहीं है। झटके से बैठने का मतलब होता है कि जैसे आपकी कोई भी चीज़ नीचे फर्श पर गिर जाती है, तो फ्रेंड्स आपको झटके से एकदम से बैठना नहीं है और झटके से उस चीज़ को उठाना नहीं है। अगर कोई आपके आसपास नहीं है तो आपको सबसे पहले अपने घुटनों को मोड़ना, फिर स्लोली स्लोली झुक के उस चीज़ को उठाना चाहिए आपको। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कि आप नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, आप नॉर्मल होते हैं, आपको नहीं पता होता, लेकिन बच्चा भी तो एकदम से नॉर्मल होता है। लेकिन जब भी आपके पेट के ऊपर दबाव पड़ता, आप झटका बच्चे को महसूस होता है, तो बच्चा गर्भ में डर जाता और बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी मूवमेंट करना शुरू कर देता और बच्चा गलत पोजिशन में आ जाता है और इसी वजह से बच्चे के गले में गर्भनाल लिपट जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको झटके से कभी भी नहीं उठना बैठना है। और ये टिप्स फ्रेंड्स आपको स्पेशल 6 महीने के बाद फॉलो करना है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि आपका जो पेट होता है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, बच्चे का वेट बढ़ जाता है, उस पर ज़्यादा असर पड़ता है। तो आपको ये टिप 6 महीने के बाद ज़रूर फॉलो करना है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स थर्ड की। थर्ड आपको क्या करना है कि आपको झटके से ना ही उठना है, ना ही बैठना है। झटके से उठने बैठने मतलब जैसे आप इंडियन टॉयलेट यूज करते हैं, तो फ्रेंड्स क्या होता है कि आपको उसमें झटके से एकदम से उठना नहीं है, ना ही एकदम से बैठना है। क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि एकदम से आप जैसे झटके से उठते, जैसे झटके से बैठते, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकती है और आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप जब भी टॉयलेट यूज करें तो आपको आराम आराम से स्लोली किसी भी चीज़ का सपोर्ट लेकर तभी आपको बैठना, और किसी भी चीज़ का सपोर्ट लेकर तभी आपको उठना है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आपकी सारी गलतियां आपको पता चल गई होंगी। आप भी जो इनमें से कोई भी गलती कर रहे हैं तो अभी से बंद कर दीजिए, क्योंकि क्या होता है कि आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और इसकी वजह से उसके गले में गर्भनाल लिपट सकती है। तो उस कंजेशन में क्या होता है कि कभी कभी तो बच्चे का पेट के अंदर ही बच्चे की मौत हो जाती है या बच्चे का फिर सी सेक्शन करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाइए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास जो घंटी का बटन उसे ज़रूर दबा लें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।